नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न जो भी हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं दुनिया में, जहाँ भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न। दोस्तों, आज है योगिनी एकादशी। इस साल, इस महीने बहुत अच्छा ये संयोग बन रहा है कि ये जो जुलाई महीना है इसमें तीन एकादशी पड़ रही है। कितनी? तीन एकादशी। वैसे महीने में एक दो एकादशी होती है, लेकिन इस बार तीन एकादशी हो रही है। और महीने की शुरुआत भी एकादशी से हो रही है और अंत भी एकादशी से ही हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। और योगिनी एकादशी का जो महत्व है, सबसे बड़ा ये यही है कि आज के दिन व्रत करने से, उपवास करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ करने जैसा फल मिलता है, बड़े बड़े पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी कोई भी, मैं आपको एक चीज बता दूं, 12 महीने में 24 एकादशी होती है। जो इंसान एकादशी का व्रत करता है उसे जल्दी से पितृदोष तकलीफ नहीं देता। आप देखना, जिनको एकादशी, जिनको जिनकी कुंडली में एक पितृदोष है, या जिन्हें पितृ स्वप्न में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, घर में कलेश बहुत होती रहती है, बच्चों की शादियाँ नहीं होती हैं, ऐसे जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन्हें पितृदोष निवारण के लिए एकादशी का व्रत बताया जाता है कि आप एकादशी का व्रत करो और जो व्रत का पुण्य फल है वो अपने पितृओं को दे दो, दान दे दो, मतलब उनके नाम पर निछावर कर दो, संकल्प उनके नाम पर कर दो कि इस एकादशी का जो फल है वो मैं अपने पितृओं को देता हूँ या देती हूँ, इससे पितृ तृप्त हो जाते हैं। अचानक घर में बैठे बैठे लड़ाई झगड़ा हो जाना, काम बनते बनते रुक जाना, शादी नहीं होना, घर में बड़े बड़े बच्चे हैं, काबिल है, सब कुछ, लेकिन शादी नहीं, मतलब आपका वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पितृदोष अगर आपको तकलीफ देगा, कई लोग मैंने कुंडली देखी कोई तकलीफ नहीं, फिर भी शादी नहीं हो रही है, अच्छे अच्छे ग्रह पड़े हैं, सब कुछ अच्छा है, नक्षत्र अच्छा है, लेकिन शादी नहीं हो रही, लड़का काबिल है, लड़की काबिल है, शादी। वैसे दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अर्लियर मैरिज ब्रेसलेट बहुत बढ़िया ब्रेसलेट है, इसको पहनते ही 6 महीने के अंदर शादी के योग बनने लग जाएंगे, सामने से आपको रिश्ते आने लग जाएंगे, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और शादी कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, मच्छी मणि पर और जरकन की अंगूठी पर अभी सेल चल रहा है। 2025 तक जो मच्छी मणि है, मतलब जो राहु से कनेक्टेड है, तो राहु बहुत बढ़िया योग बना रहे हैं, राजयोग, जिसकी वजह से मच्छी मणि पहनने से करोड़पति भी करोड़पति हो सकता है, फूटी से फूटी किस्मत भी चमक सकती है। तो आप मच्छी मणि जरूर मंगवा लें, पहन लें। और जरकन की अंगूठी आपके शुक्र को मजबूत बनाती है, मतलब गरीबी को ऐसे हटाती है जैसे पाइराइट। पाइराइट अगर आपके घर में है, हमने दोस्तों हजारों नहीं लाखों लोगों के घर तक पाइराइट पहुंचा दिया है। पाइराइट ऐसा स्टोन है जो गरीबी को जड़ से हटाता है, और बहुत बहुत अच्छे अच्छे मुझे जो रेस्पॉन्स मिला पब्लिक से, बहुत अच्छा मिला कि हाँ, पाइराइट ने सच में जिंदगी बदली। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अभी कुछ लोगों के जो पार्सल रह गए हैं, काफ़ी लोग जो कमेंट में लिखते हैं कि ये वाली डेट का हमारा ये पार्सल रुक गया है, ये तारीख हो गई है, पार्सल नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए कॉल करें। मुझे बताना चाहिए या नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी मेरा मन कहता है आपको बता दूँ, जो फैक्ट है, हमारा जो स्टाफ हमने रखा हुआ था उसमें जो कुछ लड़के थे वो काफ़ी फ्रॉड निकल गए, तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया इसमें, इस काम में काफ़ी लोगों के पास चीज़ें नहीं भी पहुंची हैं, तो जिनके पास नहीं पहुंची हैं वो अब कॉल करें, उनके पास चीज़ें पहुंचा दी जाएंगी। रिकॉर्ड्स वैसे कंप्लीट है कि हाँ, जिनके पास में चीज़ें गई हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं, कभी भी जो 4 नंबर मैंने वीडियो में दिए हैं, उन नंबर्स के सिवाय कोई भी लड़का ये कहता है कि उसका पर्सनल नंबर अगर आपको देता है, या कोई भी आपसे पर्सनल बात करता है अलग से, तो उस पर आप बिल्कुल भी बिलीव ना करें। कुछ लड़कों ने ऐसा ही किया, जो कस्टमर थे उनको पर्सनल नंबर पर लेकर के गलत चीज़ें देने की कोशिश की है, मतलब कि फ्रॉड इसमें कुछ हुआ है। स्टाफ पूरा का पूरा, जितने लड़के मुझे इसमें पकड़े गए हैं, मैंने सभी को
एक सेकंड में खड़े खड़े निकाल दिया है। लेकिन फिर जिनका भी सामान बाकी रह गया है, नहीं पहुंचा है, वे लोग उन्हीं चार नंबर्स का कॉन्टैक्ट करें जो नंबर्स वीडियो में दिए गए हैं, चालू वीडियो में आ रहे हैं। वीडियो के अंदर, वीडियो के अंदर कोई भी फ्रॉड व्यक्ति अपना नंबर नहीं डाल सकता, बराबर। किसी भी और व्यक्ति के पर्सनल नंबर पर ना जाएं। कोई भी व्यक्ति पर्सनली अगर आपसे कॉन्टैक्ट करता है तो बिल्कुल भी ना आए। और अभी मैं आपको बता दूं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी इतने टाइट, इतने फुल चल रहे हैं कि अगर कोई भी आपको गलत तरीके से बोलता है कि नहीं हम आपको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, पर्सनल नंबर चार के सिवाय पर्सनल नंबर पर बात करते हैं, तो उस पर बिल्कुल बिल्कुल भी। और एक बात बता दूं, अभी 22 जुलाई से सावन महीना शुरू हो रहा है, तो पारद शिवलिंग और नर्मदेश्वर शिवलिंग दोनों ही अभी मंदिर किए जा रहे हैं, तो आप उन्हें मंगवा सकते हैं। पारद शिवलिंग ऐसा शिवलिंग है जिसके दर्शन करने मात्र से घर से गरीबी दूर होती है और नेगेटिविटी भी चली जाती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग कोई भी व्यक्ति अपने घर में रख सकता है, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित ही आते हैं, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ घर में रखें, जो भी चीज आप चढ़ाएंगे, जिस उद्देश्य से चढ़ाएंगे, वो पूजा आपकी सफल होती है। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने कंटेंट पर कि आज योगिनी एकादशी है, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। पितरों से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनका दान करें। गाय को चारा खिलाएं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें उनकी आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का दान करें। उन्हें जैसे अनाज दें, कपड़े दें। एकादशी वाले दिन दान करने से पितृदोष से बहुत गजब तरीके से मुक्ति मिलती है। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने बताई थी, अभी तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो आपको बता देती थी, जो नागमणि है ये आप अगर एकादशी के दिन शिवलिंग पर चढ़ाते हैं या घर में भी शिवलिंग पर चढ़ा करके रखते हैं तो उससे भी कालसर्प योग में और पितृदोष में काफ़ी राहत मिलती है। तो आप आज ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, व्रत उपवास रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोले, किसी को भी धोखा ना दे। पितृदोष दूर करने का आज एक बहुत बढ़िया आपको उपाय बताती हूँ, बहुत सामान्य है, कोई भी व्यक्ति उसको कर सकता है। वैसे कोशिश करके घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति हो वही अगर इस उपाय को करेगा तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत जल्दी आएगा। या फिर वो व्यक्ति जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटे में अगर लड़की है तो उससे बड़ा, जैसे लड़का है तो वो कर सकता है। क्या करना है आपको, खड़ी उड़द एक मुट्ठी उड़द लेनी है, एक मुट्ठी काले तिल लेना है। ये क्रिया आपको सोते समय करनी है, एक मुट्ठी काले तिल और एक मुट्ठी उड़द, और उसमें आपको गिन करके 8 लौंग डाल देनी है फूल वाली। इन तमाम चीज को आप ब्लैक कलर के पेपर में भी बांध सकते हैं, काले कलर के कपड़े में भी बांध सकते हैं। फिर अगर ना हो कोई चीज अवेलेबल तो आप सफेद कलर छोड़कर के कोई भी डार्क कलर का कपड़ा हो या कागज हो उसमें इसकी पुड़िया बना लें। सोने से पहले मुंह हाथ धो करके अपने पर थोड़ा सा पानी छिड़के और बेड पर बैठ जाए और उसको हाथ में ले लें, लेफ्ट हैंड पर रखें, राइट हैंड उसके ऊपर ढक लें और ओम नमो पितृदेवाभ्यो नमो नमः इस मंत्र को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा, और उसके बाद में आप इसको तकिए के नीचे रखते हैं, तकिए के नीचे रख करके सो जाए। सुबह उठ करके स्नान आदि करने के बाद इस पुड़िया को लेकर के जाएं और जहाँ पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ के नीचे आप इसको गाड़ें, गाड़ भी सकते हैं और ऐसे रख भी सकते हैं, अगर गाड़ने की जगह ना हो तो आप इसको रख भी सकते हैं। और एक आपको बहुत अच्छी चीज दोस्तों बताऊं, अकीक, अकीक इतना बढ़िया स्टोन है जो इंसान को हर तकलीफ से मुक्ति दिलाता है और पैसों का फ्लो बढ़ा देता है, तमाम प्रकार की नेगेटिविटी से आपकी रक्षा करता है। बुद्धि, जिनकी जिनका बुद्धि बल कम है वो लोग भी अकीक का यूज़ कर सकते हैं। अकीक दोस्तों बहुत बहुत ही बढ़िया अभी अवेलेबल हुए हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि आप अकीक को मंगवा सकते हैं और इसको धारण कर सकते हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, ये व्यक्ति की हर तरीके से मदद करता है। सुलेमानी अकेले आप इसको मंगवा सकते हैं और पहन सकते हैं, आपके नाम से करण करके आपको दे दिया जाएगा। जो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं, जिनके घर में कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा है,
सपने पूरे नहीं हो रहे हैं या कोई काम ऐसा है जो होते होते अटक रहा है, तो वे लोग जरूर जरूर कॉल करें। आपको बताया जाएगा कि आपको कितने अकीक लेने हैं और कहाँ उसको रखना है। वैसे आप अगर 11 अकीक और एक गुंजाती माला लाल कपड़े में बांध करके और अपने दरवाजे पर टांग देते हैं तो कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में एंटर नहीं होगी। घर में सभी का बुद्धि बल भी बहुत तेजी से बढ़ता है। जो लोग पहनना ना चाहते हो, अदरवाइज आप इसका लॉकेट बनवाकर पहन सकते हैं, आप इसको अंगूठी में भी धारण कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। और अगर घर में आपने इसको टांग लिया कपड़े में बांध करके तो पूरे घर पर गजब की पॉजिटिव इफेक्ट हो जाती है, गजब की पॉजिटिव इफेक्ट। जो काम रुक रहे हैं वो नहीं रहे हैं, वो काम तुरंत होना शुरू हो जाएंगे। अकीक अगर आपको नहीं भी पहनना हो तो आप कम से कम 5 अकीक अपने पर्स में रखें, आपको एक चमत्कारिक ढंग से फायदा होते दिखाई देने लग जाएगा। हर व्यक्ति की राशि अलग अलग होती है और हर व्यक्ति की राशि के अनुसार उसके ऊपर जो भी तकलीफें हैं उसको उतारने का अकीक का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो आप जरूर कॉल करें अगर आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, आपको अकीक अवेलेबल करवाया जाएगा और अकीक के द्वारा कैसे आपकी तकलीफें दूर होगी ये भी आपको बता दिया जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें।